बेजे स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, हरियाणा के युवा, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, माताएं और बहनों, आप सबका आज यहां मैं बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, जब वो 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। याद है आपको? याद है ना? ये कांग्रेस जो है, ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत के बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए, नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए, मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। ये हजारों साल से कोशिश कर रहे हैं भाइयों और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है, ना, ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ये फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है, हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई, हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत भाई, नफरत मोहब्बत से ही कटती है। आप देखो, मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो, देखो, मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6-7-8 साल
हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा कि यह यात्रा 2-3 दिन चलेगी। हम कन्याकुमारी से निकले, मैंने कहा, प्रेस के मित्रों कहा, मगर ये मित्रों का काम नहीं करते हमारे साथ। देखो देखो, पीछे पीछे घूम के देख रहे हैं। देखो, घबराइए मत, क्योंकि ये पूरी की पूरी भीड़ जानती है कि आपकी गलती नहीं है, आप पर लगाम बांधी हुई है, आप बंधे हुए हो, आपकी गलती नहीं। हम समझते हैं आपकी मजबूरी है, आपको बच्चों को खाना खिलाना है, आपको तनख्वाह लेनी है, आपको भी जीना है, तो हम आपके खिलाफ नहीं है। मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा, 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है थोड़ा दिखा दो। आप 24 घंटा अंबानी जी और अदानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट। तो कहा 3 दिन चलेगी यात्रा, 3 दिन नहीं, ठहर जाओ, 3 दिन चलेगी, फिर हम केरला आए। सुनो, फिर हम केरला आए। केरला में कहते हैं, केरला में कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पे यात्रा फ्लॉप होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक में आए, कर्नाटक में केरला से ज्यादा बड़ा तूफान, फिर कहते हैं नहीं, कर्नाटक में चल गई, तेलंगाना में मुश्किल आएगी, तेलंगाना में फिर से वैसा ही तूफान, फिर कहते हैं हाँ ठीक है, साउथ में चल गई, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई। फिर कहते हैं ठीक है भैया, हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आए, वो महाराष्ट्र से बड़ी सुनामी चल गई। राजस्थान में उससे भी जबरदस्त, और हरियाणा में तो कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां पे कोरोना और कोविड है।
ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा जी ने कहा आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। मैं उसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये आपका औजार है, ये आपका हथियार है। किसका? किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का, ये उनका हथियार है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, आने वाला समय हरियाणा की जनता का, किसान का, मजदूर का होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मगर समय कांग्रेस पार्टी का नहीं, आपका होगा। 3000 किलोमीटर भाइयों और बहनों में चला हूं, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हजारों लोगों से बात की है, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से। युवाओं से पूछता हूं क्या पढ़ा तुमने, कहते हैं इंजीनियरिंग की, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैंने आईएएस की तैयारी की। फिर मैं पूछता हूं इंजीनियर बनना था अब क्या कर रहे हो, कहते हैं पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, ऊबर गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और जो मजदूरी ऊबर नहीं चला रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। गलतफहमी में हो, मोदी जी ने नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना इनके पीछे लगाम लगी है, वैसी ही लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, वो आपको बता देगा नोटबंदी क्यों की गई, गलत जीएसटी क्यों लागू की गई, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। और यहां पे आपको फरीदाबाद में सबसे बेहतर मालूम है। क्या सपना देखा था आपने, क्या सपना देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का, चाइना से, चाइना के साथ कंपटीशन का सपना आपने देखा, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये आपकी सच्चाई है। सपना क्या था? आज आप अपने जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना। सपना यह था जब चाइना का कोई युवा बेजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद, वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है। ये था सपना आपका, और यही सपना हमें पूरा करना है। क्योंकि अंत में भाइयों और बहनों, अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा, और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं, उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं।
आजकल बीजेपी आरएसएस ने क्या किया, हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला दी। चलने से पहले मैंने सोचा था, कन्याकुमारी से शुरू करने से पहले मैंने सोचा था पूरे देश में नफरत है, मैं घबराया हुआ था। मगर कन्याकुमारी से जब निकला, मुझे एक बात पता लगी, नफरत नहीं है इस देश में, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं, सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते हैं भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां जला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है, चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं, यह छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए इस यात्रा में, आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया, क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई, क्या आपको धमकी दी गई, क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से आप पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान, ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा फेराओ इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिकरण बिल लाए, डर मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता, डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज, बेरोजगारी से डर मिटा? इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज है। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो।
क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती। आप सोचो, आप सोचो, आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती है। और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। हम कहते हैं डरो मत, और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। आपने इतना प्यार दिया, देखिए ये आसान काम नहीं है। मैंने सोचा था जब कन्याकुमारी से निकले, सब यात्रियों ने सोचा भाई 3,600-700 किलोमीटर आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हमने ये काम शुरू किया, मगर हमने सबने सोचा था कि आसान काम नहीं है। मगर 10 दिन में अजीब सी बात होनी शुरू हो गई। हम सुबह उठते, आमतौर से आदमी सुबह उठता है, फ्रेश होता है ना, जगने के बाद फ्रेश होता है, और शाम को थोड़ी थकान आ जाती है, सही बात। अजीब सी बात यह थी कि हम 5 बजे उठे, 7-8 घंटे चले और शाम को कोई थकान नहीं। आप किसी भी यात्री से पूछ लो, किसी को थकान नहीं हो रही। आप मेरा चेहरा देखो, क्या आपको लग रहा है, मेरे चेहरे पर लग रहा है कि मैं 3,000 किलोमीटर चला हूं ना? क्यों? क्योंकि आपने अपनी शक्ति हमें दी। हम अपनी शक्ति से नहीं चले हैं, हम अपनी शक्ति से नहीं चले हैं, हम आपके प्यार और आपकी शक्ति प्रयोग करके चले हैं। आपने हमें चलाया है, तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लाखों करोड़ों लोग आए, हर स्टेट में आए, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, माताएं बहनें सब आए, सब ने अपना प्यार दिया, मदद की, किसी को चोट लगी पट्टी की, चाय पिलाई, खाना दिया। हिंदुस्तान ने हमारी मदद की है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत आपने हमारा किया, इसको हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आप अब कल सुबह हम दिल्ली में जाएंगे, मगर कुछ ही दिन बाद हम फिर से हरियाणा में आएंगे और आपके साथ 6-7 दिन चलेंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात के समय यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद।